मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मैसेज को भेजने वाले अनजान शख्स ने लिखा कि इसे हल्के में मत लेना। अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहता है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हो जाएगी। अब मुंबई पुलिस की एक टीम इस मैसेज को भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं नगरी न्यूज और मैं हूं अभिजीत शर्मा। सलमान खान को जान से मारने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी निकाली गई थी। गुरुवार को लॉरेंस बिश्नोई के एक खास गुर्गे को हरियाणा के पानीपत से गिरफ्तार करने के बाद नवी मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दी थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुखबीर बलबीर सिंह उर्फ सुखा के रूप में की गई थी। अधिकारियों ने बताया कि सुखा एक संदिग्ध पाकिस्तानी हैंडलर डोगर के साथ संपर्क में था, जो इस साजिश को अंजाम देने के लिए हथियार हासिल करने की योजना बना रहा था। अधिकारी ने बताया कि नवी मुंबई पुलिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी सुखबीर से पूछताछ करेगी। पूर्व मंत्री सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात मुंबई के पौश इलाके बांद्रा में उनके बेटे और विधायक जिशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी। लेकिन मुंबई पुलिस और लॉरेंस बिश्नोई के बीच एक बड़ा पेच है और वो है केंद्र की सरकार। मुंबई पुलिस ने सलमान खान फायरिंग केस में केंद्र की सरकार को पत्र लिखकर लॉरेंस की कस्टडी मांगी थी। हैरानी इस बात की है कि लॉरेंस की कस्टडी तो मुंबई पुलिस को नहीं मिली, लेकिन केंद्र सरकार ने लॉरेंस पर वो नियम जो 1 साल से लगाया गया था उस नियम में 1 साल का इजाफा और कर दिया। तो इस तरह से मुंबई पुलिस के हाथ अभी भी नाकामी ही लगी है। केंद्र सरकार ने लॉरेंस को मुंबई के हवाले करने के बजाय उस नियम को बढ़ाकर उसे फायदा पहुंचाया, जिसके तहत कोई भी जांच एजेंसी उससे ना तो पूछताछ कर सकती है और ना ही जेल से हिरासत ले सकती है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज, मैं हूं अभिजीत शर्मा।